Click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल पे आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है काली लिनक्स सिस्टम में हम लोग कैसे पाइथन को इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आज आप लोग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एंड यहाँ पर हम लोग पाइथन का जो इंस्टॉलेशन करेंगे वो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, वो पाइथन का 3.7.4। अगर आप पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सेम वर्जन ही दिखाई देगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, तो आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इससे आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल करिए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, तब भी मुझे पता चलती है मेरा वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल करती है। एंड मेरे चैनल में आप पहले से सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए, आप वहाँ पर भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे काली लिनक्स सिस्टम में हम लोग पाइथन को इंस्टॉलेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए तो हम लोग काली लिनक्स सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हम लोग पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे पाइथन को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं तो चलिए देखते हैं। तो ये है पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.python.org। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर जो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, जो देखिए पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 3.7.4 जो लेटेस्ट वर्जन है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक कर लेता हूँ। जो देखिए इसका साइज बहुत ही छोटा है, जो देखिए 16 MB का है फाइल। तो चलिए, तो ये टार फाइल के हैं। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, देन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जो देखिए ये टार फाइल है। जो देखिए टार फाइल क्या है, जो देखिए लिनक्स सिस्टम में जो टार फाइल होती है एंड विंडोज में जो हम लोग का जीप फॉर्मेट में जो होती है। ओके, तो चलिए मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जो देखिए एक्सट्रैक्ट हेयर का यहाँ पर ऑप्शन है, नहीं तो एक्सट्रैक्ट टू आप जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए एक्सट्रैक्ट मेरा हो चुका है। ओके, तो चलिए देन इसके बाद यहाँ पर मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है और मैं रूट से इनेबल हूँ। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर देख पाएंगे। ओके, तो चलिए पहले जो हम लोग यहाँ पर जो कमांड देंगे जो देखिए वो है apt-get update। तो चलिए apt-get update, तो ये कमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए देने के बाद यहाँ पर जो देखिए ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए आप जिस सिस्टम में ये कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ये जल्दी हो चुका है। ओके फाइन, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। तो देखिए मेरा फाइल कहाँ पर पड़ा हुआ है, डाउनलोड के अंदर है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाउनलोड के अंदर जाता हूँ, सीडी डाउनलोड। ओके, चलिए मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। देन इसके बाद डाउनलोड फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे क्या फाइल है, क्या फोल्डर है। ओके, तो चलिए ls कमांड को देखते हैं। ls कमांड को देखने के बाद यहाँ पर जो देखिए मेरे पास दो फोल्डर दिखाई दे रही है। एक फोल्डर है मेरा जीप फॉर्मेट में जो टार बोलते हैं, देन
एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस फोल्डर को, जो और भी एक फोल्डर जो मेरे पास आया है, ये वाला फोल्डर, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरा इसका नाम, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर मैं सीडी लिखता हूँ। सीडी लिखने के बाद जस्ट फॉर यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद जस्ट फॉर एंटर को पेस्ट करता हूँ, तो देखिए उस फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ओके। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एलएस कमांड को देता हूँ। एलएस कमांड को देखने के बाद यहाँ पर जो देखिए बहुत सारा आपके सामने दिखाई दे रही है ऑप्शन, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो भी काम है वो है कॉन्फिगर, जो देखिए ये वाला है कॉन्फिगर जो ग्रीन कलर का, यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग डॉट देंगे एंड फॉन्ट स्लैश, देन इसके बाद जो कॉन्फिगर है, इस कॉन्फिगर को हम लोग ने जो कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस कर लेता हूँ, ओके। तो चलिए यहाँ पर एंटर में प्रेस करने के बाद ये चेकिंग होना स्टार्ट हो चुका है, जो देखिए ये चेकिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ टाइमिंग लग सकती है, ओके। तो देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए ये चेकिंग प्रोसेस चालू है अभी भी। देन इसके बाद ये टोटली मेरा कंप्लीट हो चुका है, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो कमांड यहाँ पर देंगे वो है मेक, ओनली फॉर द मेक, MAKE, जस्ट ये कमांड यहाँ पर देंगे, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पर ये कमांड को भी दे देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग आपको यहाँ पर लगेगा इसको होने में। अगर आप सोच रहे होंगे जो Ubuntu में एंड सेंटो इसको कैसे यहाँ पर पाइथन को इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ, तो आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट रहेगा, ओके। एंड इसी तरह मैं विंडोज़ का भी मैंने ट्यूटोरियल क्रिएट किया है, विंडोज़ का भी मैं दे दूंगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर कितना टाइमिंग लग रही है इसको इंस्टॉलेशन होने में, तो आपको थोड़ा सा और भी वेट करना पड़ेगा, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो देखिए ये मेरा टोटली कंप्लीट हो चुका है, ओके। देन मैं यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, ओके। तो चलिए मैंने टर्मिनल को क्लियर कर लिया है। देन इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग का लास्ट कमांड देंगे यहाँ पर मेक इंस्टॉल, जस्ट ये कमांड यहाँ पर देंगे, ओके। देने के बाद जस्ट फॉर यहाँ पर एंटर को प्रेस करते हैं। जो देखिए ये कमांड होने में थोड़ा सा आपको टाइमिंग लग सकती है, सो 5 to 6 मिनट। तो तब तक मैं एक काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। पॉज करने के बाद ये जब भी ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो देखिए ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। चलिए देन इसके बाद मैं टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूँ। जो देखिए मेरा जो पाइथन का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था ये टोटली कंप्लीट हो चुका है, ओके। देन मैं यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर भी टर्मिनल का ऑप्शन है, तो चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। चलिए मेरा टर्मिनल ऑन हो चुका है। देन इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मेरा पाइथन जो इंस्टॉल हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं जो पाइथन का कौन सा वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। जो हम लोग ने अभी अभी किए हैं वो है पाइथन 3.7.4, जो हम लोग का लेटेस्ट वर्जन है, जो देखिए अभी अभी हम लोग ने यहाँ पर जो डाउनलोड किए हैं। तो देखिए ये वर्जन ही इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो चलिए हम लोग पहले चेक करके देख लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रन कर भी देखेंगे जो मेरा सक्सेसफुल हो पा रही है कि नहीं, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पाइथन स्पेस 3.7 space -v यहाँ पर देंगे। देने के बाद यहाँ पर हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो देखिए लास्ट में मेरा एक ऑप्शन आ चुका है, जो देखिए पाइथन का जो भी वर्जन है ये वर्जन कौन सा है, 3.7.4, जो हम लोग का लेटेस्ट वर्जन है। जो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट में भी सेम टू सेम वर्जन है, जो देखिए 3.7.4, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग ने अभी अभी डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी किया है, इंस्टॉल करने के बाद जो देखिए मेरा वर्जन 3.7.4 वर्जन हो चुका है, ओके। देन मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करके मैं यहाँ पर एक
न्यू प्रोग्राम यहाँ पर रन करके भी देख लेता हूँ जो मेरा सक्सेसफुली वर्क कर रही है कि नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग पाइथन को एक बार फिर से लिखते हैं, जो देखिए पाइथन 3.7। ओके, देन इसके बाद जो यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम ऑप्शन दिखाई देगा, जो देखिए पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.7.4, जो देखिए मैंने दोनों प्रोसेस मैंने दिखाई दिया है, जो देखिए वर्जन चेक करने के लिए आप दोनों में कुछ भी कर सकते हैं आपके ऊपर। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम रन करके देखता हूँ क्या होती है इसका आउटपुट। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, तो यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, तो जस्ट ये लिखने के बाद एंटर को प्रेस करता हूँ। यस, मेरा यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रही है, तो मेरा सक्सेसफुली हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। एंड जो मेरा इंस्टॉल हुआ था, इंस्टॉल में भी कुछ भी एरर नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में पाइथन 3.7 यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इस पाइथन का ऑफिशियल का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो भी मैंने प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को आप में इंस्टॉलेशन करेंगे काली लिनक्स सिस्टम में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड यहाँ पर हम लोग एग्जिट करने के लिए जस्ट फॉर यहाँ पर EXIT एग्जिट, जो यहाँ पर आपको दोनों बैकेट देने के बाद यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर पाइथन से हम लोग बाहर आ जाएंगे। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे पाइथन इंस्टॉलेशन करते हैं काली लिनक्स सिस्टम में। अगर आप लोग का इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर रिप्लाई कर दूंगी। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।